मैं पूनम शर्मा, संस्कृत टीचर, माउंट लिटरेजी स्कूल झांसी। बच्चों, आज पाठ पढ़ेंगे। तृतीय पाठ है स्वावलंबनम। इसका अर्थ है आत्मनिर्भरता। प्रस्तुत पाठ में दो मित्रों की कथा का वर्णन किया गया, दो दोस्तों की कहानी बताई गई है कि स्वावलंबी मनुष्य जो होते हैं, जो आत्मनिर्भर रहते, अपना काम स्वयं करते, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते हैं, ऐसे व्यक्ति हमेशा सुखी रहते हैं। और जो पराधीन होते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ऐसे व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं। सबको अपना काम स्वयं करना चाहिए, ये इसने बताया है। अब पाठ पढ़ेंगे। श्री कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धा आसीत। श्रीकंठ के पिता जो थे वो बहुत समृद्ध, बहुत धनवान थे। इसमें बताया कि श्री कृष्ण, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ ये दो मित्र थे। श्रीकंठ के पिता बहुत धनवान थे, अतः इसलिए उसके भवने, इसलिए उसके घर में सर्वविधानी सुख साधनानी आसन, इसलिए उसके घर में हर प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन विशाले भवने, उसके इस बड़े से घर में चत्वारिंशत् चालीस स्तंभा खम्भे, चालीस खम्भे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, और इसके अठारह, और उसके अष्टादश अठारह प्रकोष्ठेषु कमरों में, अठारह कमरों में पंचाशत गवाच्छा, पचास खिड़कियाँ, गवाक्षा का अर्थ है खिड़कियाँ, पचास खिड़कियाँ, और चतुश्चत्वारिशत चवालीस द्वाराणी दरवाजे, और षट त्रिंशत छत्तीस विद्युत व्यंजनानी पंखे, विद्युत व्यंजनानी लाइट से जलने वाले पंखे थे। इसमें बताया कि उसके इस विशाल बड़े से घर में सब प्रकार के सुख साधन थे। उस बड़े घर में चालीस खम्भे थे, अष्टादश प्रकोष्ठेषु अट्ठारह कमरों में पचासत गवाच्छा पचास खिड़कियाँ, और चतुश्चत्वारिशत चवालीस द्वाराणी दरवाजे, और षट त्रिंशत छत्तीस विद्युत व्यंजनानी च आसन, और छत्तीस पंखे थे। तत्र दस सेविका, और वहाँ पर उसके घर में, वहाँ पर दस सेविका, दस नौकर निरंतर कार्य कुर्वन्ती, लगातार कार्य करते रहते थे। परंतु अब जो इसके विपरीत, ये जो इसका दूसरा मित्र था कृष्णमूर्ति, उसके कृष्णमूर्ति के च माता पिता, माता पिता निर्धनौ गरीब कृषक दंपति, किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम उसका घर आडंबर विहीना साधारण चा आसीत, आडंबर से विहीन दिखावे से रहित था। उसका घर बिल्कुल साधारण और दिखावे से रहित था। एक बार श्रीकंठा एकदा श्रीकंठा तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम आगच्छत। एकदा एक बार श्रीकंठा श्रीकंठ तेन सह उसके साथ, अपने मित्र के साथ, कृष्णमूर्ति अपने मित्र कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः सुबह
नववादने 9 बजे तस्या गृहम आगच्छत, उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता चा, वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्तव्या अपनी शक्ति से भी ज़्यादा अर्थात अपने सामर्थ्य से अधिक श्रीकंठ का आतिथ्यम आकुर्वन अतिथि सत्कार किया। उसके माता पिता ने श्री कृष्णमूर्ति के माता पिता ने श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा यह देखकर श्रीकंठा आकथत, श्रीकंठ बोला, मित्रा अरे मित्र अहम भवताम, मैं आपके सत्कारेण सत्कार से संतुष्टो अस्मि, बहुत प्रसन्न हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम, केवल यही मुझे दुख है, यत कि तव गृहे तुम्हारे घर में एको अपि भृत्या एक भी भृत्या नौकर ना अस्ति नहीं है। वह कहने लगा कि मुझे एक ही दुख है कि तव गृहे तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय मेरे सत्कार के लिए भवताम बहु कष्टम जातम, आपको बहुत कष्ट हुआ है। मम गृहे मेरे घर में तो बहवा कर्म करा, बहुत सारे नौकर कर्म करा काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति आवदत, तब कृष्णमूर्ति बोला जो उसका गरीब मित्र था, वो कहने लगा मित्र ममापि अष्टौ कर्मकरा सन्ति, मेरे भी 8 कर्मकरा काम करने वाले हैं, मेरे पास भी 8 हैं काम करने वाले। ते चा और वे द्वा पादौ दो पैर, द्वा हस्तौ दो हाथ, द्वय नेत्रे दो नेत्र आँखें, द्वय श्रोतु दो कान इति, इस प्रकार उसने भी बताया। अब किंतु तब एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये प्रत्येक क्षण उसने बताया कि ये जो हैं मतलब मेरे दो पैर दो हाथ दो आँखें और दो कान, ये प्रत्येक क्षण मेरे सहायक हैं, मेरे पास ही रहते हैं। किंतु तब भृत्या किंतु तुम्हारे नौकर सदैव सर्वत्र चा उपस्थिता, हमेशा हर जगह उपस्थित, भवितु ना शक्नवंति नहीं रह सकते हैं, तुम्हारे नौकर हर समय हर जगह उपस्थिता भवितु ना शक्नुवन्ति नहीं रह सकते हैं। तुम तो स्वाकार्याय अपने कार्य के लिए भृत्या आधीन नौकर के आधीन हो, तुम तो अपने हर कार्य के लिए नौकर पर आधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता जब जब वे अनुपस्थित होंगे, जब जब वे छुट्टी लेंगे, तदा तदा तब तब त्वं कष्टम अनुभवसि तुम्हें कष्ट होगा। स्वावलंब से तो आत्मनिर्भरता से तो सर्वता सुखमेव, हमेशा ही सुख होता है, अपना काम स्वयं करने से हमेशा सुख होता है। ना कदापि कष्ट और कभी भी कष्टम ना भवति, कष्ट नहीं होता है। उसने कहा स्वावलंबन से आत्मनिर्भर रहने से हमेशा सुख मिलता है और कभी कष्ट नहीं होता है।
श्रीकंठा आवदत। अब उसका मित्र बोला, कहने लगा, मित्र अरे मित्र, तव वचनानि छुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम मनसी मेरा मन महती प्रसन्नता, बहुत प्रसन्न हो गया है। तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि, अब मैं भी, स्वकार्याणि अपने सारे कार्यों को, स्वयमेव कर्तुम इच्छामि स्वयं ही किया करूँगा। अब मैं स्वकार्याणि अपने कार्यों को स्वयं ही किया करूँगा। भवतु, ठीक है। सार्ध द्वादश वादनम इदम्। सार्ध इसका अर्थ है साढ़े, द्वादश बारह, वादनम बजे, साढ़े बारह बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, अब मैं गृहम चलामि चलता हूँ। उसने कहा, उसके मित्र ने, कि अब सार्ध द्वादश वादना इदम्, इस अब साढ़े बारह बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, अब मैं घर चलता हूँ। चैप्टर पूरा।